सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनस्टॉपेबल ब्लॉगर में। तो आज है संडे और अभी हम लोग हैं बिहार में और बिहार के राजगीर शहर में है। तो आज अपन यहां का ग्लास ब्रिज और जू सफारी, अपने को ये दोनों एक्सप्लोर करना है। अभी अपने साथ छोटू भैया है, इधर विकास भैया है और इधर मिथुन है, इधर राहुल है। अभी अपन यहाँ से स्टार्ट करें क्योंकि यहाँ का खाना का टेस्ट अपने को बहुत अच्छा लगा था। अपन कल रात को भी यहाँ से खाया था और अभी भी यहीं से खा रहा हूँ क्योंकि टेस्ट अच्छा लगा था। तो आपको मैं दिखाता हूँ क्या व्यू है यहाँ का। तो गाइस अभी यहाँ पे सब कोई खा रहा है, खाने का मजा ले रहा है रोहित, और रोहित आपको रिव्यू देगा, खाने के बारे में बताएगा कि कैसा था उनका खाना। गाइस आप लोग जब भी राजगीर आए ना, जस्ट राजगीर के बाहर है पंजाब होटल, जरूर खाए। बिरयानी कुंड के बाहर, हाँ गरम कुंड के बाहर, बहुत अच्छा खाना मिलता है, लिटरली बहुत अच्छा खाना। से जा रहे हैं जंगल सफारी की तरफ और अपना गाड़ी रेडी है, इधर अपना हीरो भी रेडी है। गाइस फाइनली अपन अभी पहुंच गए हैं राजगीर वन सफारी और अपन जा रहे हैं एक नंबर गेट के पास और वहां से टिकट लेके फिर जाऊंगा अंदर। अपना टिकट काट के रखा हुआ है बट टिकट लेके यहाँ बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, इस वजह से अपन वहाँ पे जमा करके गए थे। अभी जाएंगे वहाँ से लेंगे और लेके फिर अंदर जाएंगे। गाइस फाइनली अपने को अपना टिकट मिल गया है। सो हेलो गाइस, जैसा आप देख रहे हैं हम लोग राजगीर आए हुए हैं जू सफारी। तो मैं आपको क्राउड दिखाना चाहता हूँ यहाँ का, जैसा कि आप क्राउड देख सकते हैं और टिकट काउंटर देख सकते हैं, यहाँ बहुत ही भीड़ पड़ा हुआ है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं ना जो सुबह 7-8 बजे से लाइन लगाए हुए हैं फिर भी उन्हें टिकट नहीं मिला। फाइनली अपन अंदर ढूक चुके हैं और अभी जा रहे हैं अपन कैंटीन। कैंटीन से सीधा उस तरफ निकलने का रास्ता है और वहां से चला जाऊंगा अपन ग्लास ब्रिज पहले घूमेंगे, उसके बाद अपन फॉरेस्ट घूमेंगे। तो भाई फाइनली अभी अपन आ गए हैं यहां पे और ग्लास ब्रिज के जाने के लिए लाइन लगाया है। अपने से आगे इधर तो बहुत सारा लाइन है और ये कुछ लोग जो ग्लास ब्रिज से घूम के आ चुके हैं। तो इस गाड़ी से अपन जाने वाले हैं और ऐसा ऐसा फील आ रहा है जैसे कि हम लोग अभी स्कूल जाने वाले हैं, बचपन वाला फीलिंग लेने के लिए फिर से। बस लेने ही नहीं आता था, लेने नहीं आता बस से जाता था स्कूल, तो साइकिल लेके भी गया। मेरे स्कूल में बस ही नहीं था, साइकिल में गया था, उससे जाता था, मैं गरीब हूँ। सो फाइनली अपन बस में बैठ चुके हैं। अपन पीछे बैठे हैं तो अपन को इसका सारा हुआ थोबरा ही देखना पड़ रहा है। सो गाइस फाइनली अभी उतर चुके हैं हम लोग गाड़ी से और यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा था तो उसे मैंने पार्टी चल रहा है यहाँ पे विकास भैया। तो भाई गेट कुछ ऐसा दिखता है कांच ब्रिज का, यहाँ पे दो ठो रास्ता है। अपन फर्स्ट वाला रास्ता से ना जाके सेकेंड वाला रास्ता जो शॉर्टकट पड़ता है मोर एडवेंचरस उस रास्ते से जा रहे हैं जो कि डायरेक्ट अपने को ऊपर लेके जाएगा। ऊपर लेके जाएगा मतलब अपन उस रास्ते को छोड़ के एडवेंचर वाला रास्ते पे आया थोड़ा सा पहाड़ देखने। देख सकते हो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, जंगल ही जंगल चुका है। रोहित अभी भी नीचे है और अभी पूरा पहाड़ चढ़ना बाकी है। गाइस कैसे चढ़ेंगे अभी, अपन एडवेंचर लेने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर लेते हैं। जैसे कि अभी को अभी अपने को इस सस्पेंशन ब्रिज को पार करके जाना है जो कि दिखाता हूँ आपको। अपने को इस ब्रिज पार करके जाना है, कम से पूरा ब्रिज हिल रहा है, आप विश्वास नहीं करोगे लेकिन हिल रहा है। ओए हिला मत, ओए हिला कह रहा है, लाने का नहीं है भाई, वायर रोप पे अटका हुआ है। तो उस ब्रिज के बाद अपन डायरेक्ट आ गए हैं कांच ब्रिज पे, ये कांच का बना हुआ है। भाई यही हवा तो चाहिए था जब अपन यहाँ आए। कांच ब्रिज कट रही है जिस पे डर उतना नहीं लग रहा जितना मैं सोच के आया था कि डर लगने वाला है। बढ़िया आगे बढ़िए, आप लोग नीचे देखने में मजा है, आप लोग को भी दिखा। और एक एक करके नजर मार के निकलते रहिए,
जो जा ही रहे थे कि रास्ते में अपना बकचोद मित्र जिसका चप्पल टूट चुका है तो अभी चप्पल लगा रहा है जिसके वजह से हम लोग को लेट हो रहा है और टाइम अभी 2 बजने वाला है। पिछला 15 मिनट से वो चप्पल ही लगा रहा है। भाई अपन जंगल सफारी जाने से पहले अभी 180 डिग्री कुछ देखने आया, पता नहीं क्या देखने आया है, अभी अभी देखता हूँ क्या होता है। कभी गिना नहीं ना। और क्या ये भी कि आपकी अगली सांस के लिए जरूरी ऑक्सीजन का मिलना इस बात पर निर्भर है कि आपसे मीलों दूर किसी समुद्र में एक बड़ी सी शार्क मछली एक छोटी सी मछली को खा पाएगी या नहीं। क्यों यकीन नहीं होगा ना। चलिए कोई नहीं, आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो आपसे हजारों मील दूर होकर भी आपके अस्तित्व का आधार है। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं और सीन देखे और फाइनली हम लोग को जू सफारी में जाने का मौका मिला है। तो हम लोग को विंडो सीट चाहिए इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहे हैं और मिथुन को तो सबसे ज़्यादा चाहिए इसलिए वो सबसे आगे जा रहे हैं और रोहित भी दौड़ रहे हैं, बच्चे लोग भी दौड़ रहे हैं, सबको विंडो सीट चाहिए। अपन भी थोड़ा तेज़ी में ही चल रहे हैं। जू सफारी पिकअप पॉइंट और मिथुन अपने आँख के सामने से ओझल है, रोहित आँख के सामने है तो भाई अपन लोग दौड़ दौड़ के आए उसका कोई फायदा नहीं हुआ, अपने को यहाँ बैठा दिया गया है। यहाँ ड्राइवर अंकल, गाइड अंकल और हम लोग जा रहे हैं अभी और इस तरह का पड़ा रहे हैं और ये मेरे ख्याल से एंट्री गेट है जो कि गेट खुल रहा है। हम लोग जाते आते ही गेट खुल रहा है। अभी हम लोग जाएंगे बियर सफारी, पहाड़ों सफारी। ये बियर सफारी का एंट्री गेट है। बियर सफारी में बियर जो है दो है, एक मेल है और एक फीमेल है। मेल का नाम भोला है और फीमेल का नाम झबरी है। थैंक यू भैया। कहीं पर दिखेगी हाँ, कलुआ ललुआ बलुआ सब दिखेगा। चिंकिया और मिंकिया का पापा को और यहाँ से ट्रैक रोड चालू हो गया है, जंगल वाले रोड। इसके बाद पूरा अमेजोन का जंगल जैसा फील हो रहा है अपने को। देखिए भोला बोला है। चलिए बस में आगे खाना बना लो। दरवाजी कर रहे हैं। गेट एक खुलता है उसके बाद आप अंदर जाएंगे और फिर दूसरा खुलेगा जब पीछे वाला बंद हो जाएगा। अभी पड़ रहा है क्योंकि अभी अपन लेपर्ड को देखने जा रहे हैं और रोहित भाई बोल रहे हैं कि लेपर्ड चाहे तो वो हम दोनों को ही निपटा सकता है। इफ लेपर्ड कैन दे कैन ब्रेक द ग्लास शो द ग्लास टू द पब्लिक दिस ग्लास का इफ दे कैन ब्रेक द ग्लास उनका दांत ना बहुत मजबूत होता है बहुत ज़्यादा तो अपने को निपटा देंगे। हाँ भाई और इस पीछे जो आप सीन देख रहे हो वो कतई जहर, जब तक आप अपने आंखों से फील नहीं करोगे इस चीज़ को आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग जरूर राजगीर विजिट करें और इन सब चीज़ों का आनंद लें। तीन है इनमें, दो फीमेल और एक मेल, उसी को देखेंगे हम लोग कहीं पे। ये गुजरात के गिर के जंगल से लाए गए लाए, पहले 6 था। पहले 5 था, अभी भी 5 है क्योंकि अभी 3 को ही बाहर छोड़ा गया है, बाकी 2 अपना केस में। इन लोगों को क्या रात को कैद कर दिया जाता है केस में? इन लोगों का खाना दिया जाता है रिटायरिंग रूम में, दिन भर कहीं भी रहे शाम में वापस चला जाएगा क्योंकि लोग खा के निकलता है रिटायरिंग रूम से और शाम को फिर चले जाते हैं क्योंकि खाना उसको वहीं दिया जाता है, इसीलिए आते जाते रहता। कभी किसी किसी दिन नहीं भी जाता, बाहर ही रहता है। और इसमें ऐसे कुछ जानवर वगैरह छोड़ा जाते हैं उसको मार के खाने के लिए? रेप्टाइल्स के बच्चे हैं, वाइल्ड बोर्ड के बच्चे हैं, खरगोश है, जंगली, ये सब का शिकार वो कर लेते हैं अंदर में। अच्छा, शिकार कहीं दिल जाए तो शिकार तो कर ही लेगा वो, चाहे हम हो चाहे एनिमल्स हो। तो उस टाइम में भी हम लोग गाड़ी को नज़दीक नहीं ले जाते, 20 फीट दूर से ही देखते हैं। मान लीजिए अटैक कर दिए उस समय? अटैक करेगा तो गाड़ी लेके बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, वहाँ रुकना नहीं बोला कि ग्लास बुलेट प्रूफ आता नहीं, कोई फोन सकन नहीं रहे कोई, तो ऐसा ग्लास ना रहे तोड़ दे, इसलिए हम लोग बाहर पहले चलता।
वीडियो बनाना पड़ता है। रोड देखो गाइस बहुत ही ढाला है। नाउ वी कैन वी आर गोइंग टू डाउनफॉल दिख रहा है तीन एक साथ दो है इसका माँ का अपने फोन में बहुत जूम है थोड़ा थोड़ा दूर में लगा दिया बस गाड़ी को और आगे बढ़ा के ताकि पीछे वाले भी गाड़ी दो है थोड़ा सा पीछे वाले को गाड़ी से नीचे जाने दीजिएगा और सुना देते हैं देखो खड़े होकर देखो अरे नज़ारा खत्म हो जाए फिर देखते हैं खाते हैं सब गाड़ी इसलिए तीनों एक जगह लगा दीजिए वहाँ एक शेर और यहाँ एक शेर बहुत सारे शेर है अपने पास सो गाइस अभी अपन ने शेर देखा लायन और उसको देख के बहुत मजा आया फर्स्ट टाइम इतना सामने से देखा चिड़ियाखाना में भी इतना सामने से नहीं देखा था मैंने क्या तुमने देखा था अब कोलकाता का सुखा बात करें ना तो हाँ। वहाँ पे क्या होता है ना वहाँ पे एक लायन है ठीक है हाँ। अगर आप जाते हो ना उसको देखने वो एक तो बहुत लकीली दिखता है हाँ। और बहुत दूर भी रहता है और बैठा ही रहता है बट यहाँ पे अगर आप जो एक्सपीरियंस करते हो ना ये अब एक्सपीरियंस करते हो कि द एनिमल्स दे आर इन फ्रीडम वो अपने जंगल में है हम लोग उनको देखने आए तो हम लोग उसके बंदिशों में है लोग जाएंगे टाइगर सफारी और टाइगर सफारी में टाइगर जो है दो अभी वाइट वाला टाइगर्स को देखे हो जो मध्य प्रदेश के रीवा से लाई गई है 8 साल की है नाम है स्वर्णा नेक्स्ट नेम ये सामने से जा रहे चलती हुई अभी कैसे आगे जा रहा है एक साइड चाप के चलिएगा एक साइड चाप के चलिएगा 4 नंबर रुक जाइए उसको बढ़ने दीजिए बढ़ाइए गाड़ी को बढ़ाइए आगे धीरे धीरे के बाद जाएंगे हम लोग लेपर्ड सफारी लेपर्ड देखेंगे तेंदुआ 4 लेपर्ड है इसमें आज 2 मेल है और 2 फीमेल मिलेगा कहीं पे आप लोगों को देखिएगा रुकिएगा भैया थोड़ा सोना सोना वो देखे तीनों लड़ रहा अंदर मेरे पे काला हिरन नीचे बैठा काला हिरन नहीं है ब्लैक सो गाइस अभी हम लोग विश्व शांति स्तूप आए थे वहाँ अपना जू घूमने के बाद तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ मिला कि ये 4 बजे ही बंद हो जाता है तो अपने को ऊपर जाने को नहीं मिला तो अपन यहाँ से डायरेक्ट निकल रहे हैं।